नमस्कार, मैं रश्मि शर्मा और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। हालिया दौर में कांग्रेस राजनीति के जिस गर्त में जा गिरी है, उसमें गांधी परिवार के चश्मे चिरागों का बड़ा योगदान है, क्योंकि इनकी चकाचौंध बनी रही, इसीलिए पार्टी अच्छे नेताओं को कुर्बान कर रही है और नतीजा ये हो रहा है कि पार्टी लगभग खात्मे की ओर है। अभी पार्टी के निलंबित नेता संजय झा ने पार्टी की इसी कमजोरी का जिक्र करते हुए अखबार में एक लंबा चौड़ा लेख भी लिखा था, लेकिन फिर न तो पार्टी इस पर ध्यान दे रही है और न परिवार, और न ही ये चश्मे चिराग सुधरने का नाम ले रहे हैं। राहुल गांधी ने हाल ही में मोदी सरकार की विदेश नीति पर जो वीडियो बनाया था, उसकी खूब खिल्ली उड़ी थी, और अब प्रियंका ने अपनी हंसी उड़वा ली है। और हंसी इसीलिए उड़ रही है कि प्रियंका ने फिर वही हरकत की जो वो पहले कई बार कर चुकी है, और पकड़े जाने पर माफी भी नहीं मांगी है। दरअसल एक बार फिर प्रियंका ने कुछ तस्वीरों के दम पर बीजेपी सरकार को निशाना बनाया, लेकिन वो फर्जी निकली हैं। प्रियंका गांधी ने बिहार और असम में आई बाढ़ को लेकर ट्वीट किया। इस ट्वीट में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं से असम और बिहार में आई बाढ़ की वजह से प्रभावित लोगों की मदद करने की अपील की गई। उन्होंने साथ में दो तस्वीरें भी शेयर की जो बाढ़ की भयावहता को दिखाती हैं। लेकिन यूजर्स ने तुरंत पता लगा लिया कि ये जिन तस्वीरों को दिखाकर प्रियंका गांधी बीजेपी की सरकार को घेरने की कोशिश कर रही हैं, उनका इस बाढ़ से कोई ताल्लुक है ही नहीं। प्रियंका गांधी ने ट्विटर पर लिखा, असम, बिहार और यूपी के कई क्षेत्रों में आई बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त है। लाखों लोगों पर संकट के बादल छाए हुए हैं। बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद के लिए हम तत्पर हैं। मैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं व नेताओं से अपील करती हूं कि प्रभावित लोगों की मदद करने का हर संभव प्रयास करें। अब इस ट्वीट को लेकर प्रियंका गांधी खुद ही गिर गई हैं। प्रियंका की ट्वीट को यूजर्स ने हाथों हाथ लेते हुए जहां प्रियंका पर जमकर निशाना साधा, वहीं कुछ ने इसे ठीक करने की सलाह भी दी। प्रियंका गांधी ने असम और बिहार की बाढ़ के नाम पर जो तस्वीरें ट्वीट की हैं, वो 2020 की नहीं बल्कि साल 2019 और 2017 की हैं। आपको बता दें, ये पहली बार नहीं है जब कांग्रेस नेता ने इस तरह से गलत तस्वीर शेयर कर फर्जी खबर फैलाने की कोशिश की है। कुछ दिनों पहले कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने मोदी सरकार को नीचा दिखाने के लिए 19 मई 2020 अपने ट्विटर अकाउंट से नेपाल की एक तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा था, न्यू इंडिया का सच, इस तस्वीर में एक महिला अपने बच्चे को पीठ पर बांधे साइकिल से जा रही थी। रणदीप सुरजेवाला के ट्वीट करते ही लोगों ने बता दिया कि ये तस्वीर भारत की नहीं है बल्कि नेपाल की है, वो भी 2014 की। सुरजेवाला ने इससे पहले एक तस्वीर शेयर करते हुए कहा था, मोदी जी इन्हीं को जहाज में बिठाने का सपना बेचा था ना। हालांकि जिस तस्वीर को पोस्ट कर सुरजेवाला पीएम मोदी से सवाल कर रहे थे, वो उनकी ही पार्टी यानी कांग्रेस शासित राज्य छत्तीसगढ़ की निकली। इसके अलावा दलित कांग्रेस नाम के ट्विटर अकाउंट से एक ऐसी तस्वीर शेयर की गई थी जिसमें एक व्यक्ति को अपनी पीठ पर बूढ़ी महिला को ले जाते हुए देखा जा सकता था। कांग्रेस के इस ट्विटर अकाउंट में बताया गया था कि ये कांग्रेस का ऐसे विभाग है। हालांकि बाद में खुलासा हुआ कि जिस तस्वीर को कांग्रेस के अकाउंट शेयर कर रहे थे, वो बांग्लादेशी रोहिंग्याओं की थी। प्रियंका भी पहले कई बार ऐसी ही फेक तस्वीरें अपने ट्विटर पर साझा कर चुकी हैं। मतलब या तो कांग्रेस के सोशल मीडिया वाले लोग नींद में काम करते हैं, या फिर उनको समस्याओं से सरोकार नहीं है, वरना ऐसी छोटी छोटी गलतियां बार बार नहीं दोहराई जाती। वैसे प्रियंका का इरादा नेक ही है कि वे बाढ़ पीड़ितों की मदद का आह्वान कर रही है, लेकिन उनकी समझ सवालों के घेरे में है कि उन्हें हाल ही की उस सूबे की दो तस्वीरें भी नहीं मिली। इस खबर पर आपकी जो भी राय हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वीके न्यूज। जय हिंद, वंदे मातरम।